नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल वीके प्रेडिक्शन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द 100 वुमेन में होने वाले सातवें लीग मुकाबले की, जो कि खेला जाने वाला है अब से लगभग 11 घंटे के बाद में TRT वुमेन और NOS वुमेन के बीच में। तो दोनों ही टीमें काफ़ी मजबूत हैं, दोनों ही टीमें काफ़ी मज़ेदार हैं, मतलब कि दोनों ही टीमों के प्लेयर्स काफ़ी बेहतरीन हैं। तो मज़ेदार मुकाबला होने वाला है दोनों टीमों के बीच में। फ़िलहाल हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे दोनों ही टीमों के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस रिसेंट के मैचेस के बिहाफ पे, और फाइनली चुनेंगे अपने टॉप 11 फैंटसी पिक्स, जो आपको ड्रीम 11 में या फिर किसी भी अदर फैंटसी प्लेटफॉर्म में एक अच्छी विनिंग करवा सकते हैं। ओके दोस्तों, सो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल वीके प्रेडिक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट ताज़ा अपडेट पाने के लिए। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल वीके प्रोडक्शन, इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। हेड टू हेड की लगभग सभी पॉसिबल टीम आपको यहाँ में मिल जाएंगी। ओके, तो अगर लिंक के थ्रू नहीं होता डायरेक्ट सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर वीके प्रोडक्शन, हमारे साथ ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं अगर दोनों ही टीमों के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे। तो देखिए, अगर TRT की बात की जाए तो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे आर पैरिश एज अ विकेट कीपर। हालांकि पिछले मैच में 4 रन बना के आउट हो गई थी, लेकिन बहुत बेहतरीन विकेट कीपर है, मुझे लगता है आपको अगेन लेना चाहिए इन पैरिश एज ऑलराउंडर। सैमी जोजोसन खेलेंगी ओपन करते हुए, हालांकि पिछले मैच में 4 रन बना के आउट हो गए, लेकिन बेहतरीन ऑलराउंडर है, आप इन्हें एज अ कैप्टन वाइस कप्तान भी यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा रिस्की रहेगा, एज अ कैप्टन वाइस कप्तान बेटर रहेगा। ग्रैंड लीग में आप इन्हें कैप्टन यूज़ कर सकते हैं। एक विकेट लेके गई थी पिछले मैच में निकोला सीवर, आप सभी जानते कितनी बेहतरीन मतलब कि खिलाड़ी हैं, पिछले ही मैच में 2 विकेट झटके थे, +44 रन्स, बेहतरीन ऑलराउंडर, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे ज़्यादा मतलब एज अ कैप्टन आज इन्हीं की परसेंटेज होगी मेरे अकॉर्डिंगली, तो आप इन्हें भी ज़रूर ट्राई कीजिए, इन्हें आप छोड़ नहीं सकते। हालांकि ग्रैंड लीग में आप अगर इन्हें ना लेना चाहें तो बात अलग है, बट हेड टू हेड में आपको इन्हें लेना पड़ेगा। के ब्रंट पिछले मैच में बैटिंग में 22 रन्स किए, हालांकि बॉलिंग में विकेट्स नहीं ले पाए, लेकिन के ब्रंट एक ऐसा खिलाड़ी है जो आपको कभी भी बेहतरीन ऑलराउंडर प्रदर्शन करके दे सकता है। और सेकेंड डाउन आती हैं तो यहाँ पे एक के ब्रंट एक बेहतरीन ऑप्शन है, बिल्कुल लीजिए, मैं तो अगेन कहूँगा। हालांकि विकेट्स नहीं ले पाए वो बात अलग है, अच्छी ऑप्शन। एच ग्राहम एज ऑलराउंडर अगर देखें, 4 डाउन आ रही हैं, बस माफी से उनको ठहर रहा हूँ, तो एच ग्राहम भी अच्छी ऑप्शन है, 24 रन किए थे, प्लस बॉलिंग भी करेंगे तो विकेट्स लेने के चांसेस हैं। एफ एरवन 10 रन किए थे पिछले मैच में। एस ग्लैन सारा ग्लैन बॉलिंग तो फेंकेंगे 20 गेंदे 100 में, प्लस बैटिंग भी कर लेती हैं, देखिए ऊपर ही आ रही हैं, तो एस्क्लेन पे भी चांस ले सकते हैं पिछले मैच में, हालांकि एक विकेट भी लिया था। ब्राइस 0 रन किए थे। एल हाइगम एम क्रिक टी जारविस, एम क्रिक हैजा बैट्समैन है बट बहुत नहीं चाह रहे, तो एम क्रिक पे बिल्कुल मत रिस्क लीजिए, और जारविस पे भी एल हाइगम पे भी रिस्क मत लीजिए, मैं तो यही कहूँगा। बट अगर आप चाहें तो इन तीनों में तो क्रिक ट्राई हाइगम एक ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग करा सकती हैं, प्राइस को ट्राई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगर NOS वुमेन्स की, तो देखिए NOS की तरफ से विनफील्ड 0 रन बना के आउट हो गई, हालांकि ये टीम मैच जीती थी, TRT अपना पिछला मैच हार के आ रही है, NOS जीत के आ रही है, तो NOS के पास मौका है दूसरा मैच जीतने का, TRT के पास अपना खाता खोलने का। विनफील्ड 0 रन बना के आउट हो गई एज अ बेहतरीन बैट्समैन है। जमाइमा रोजर्स इंडियन बैट्समैन 92 रन किए, पहले ही मैच में धमाका कर दिया उन्होंने, और इस 92 की पारी से अपनी टीम को जीत दिलाई, और इनके पास बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, बैट्समैन वर्ल्ड ओवर साउथ अफ्रीका की हैं, मिडिल ऑर्डर संभालती हैं और बहुत ही तेज तर्रार खेलती हैं, बट यहाँ पे जल्दी आउट होंगे नहीं 1 रन बना के, तो आप इनको डिनाई मत कीजिएगा, बेहतरीन है। आर्मिटेज एज ऑलराउंडर सेकंड डाउन आ रही हैं, तो आर्मिटेज को मैं तो कहूँगा आप लीजिए इस मैच में, एक बेहतरीन पिक साबित हो सकती हैं। वी हेट ने 12 रन किए थे। एलिस रिचर्ड पिछले मैच में 23 रन बनाए, +2 विकेट लिए अपनी इस पारी में, लाजवाब प्रदर्शन किया था एलिस रिचर्ड ने। एल कैमेंस एल स्मिथ ने 3 विकेट लिए थे। एलिजाबेथ रसल ने 1 विकेट लिया था। पी ग्राहम और कैमेंस को विकेट नहीं मिला था पिछले मैच में। एंड के लुक ने उन्हें भी 2 विकेट झटके थे। तो ये तो रही थी दोनों ही टीमों की मिलीजुली परफॉर्मेंस अपने रिसेंट के फर्स्ट मैचेस की। तो अब इसी के बिहाफ पे हम अगर टीम का चयन करें और जो ऑर्डर में जिस तरह से मैंने प्लेयर्स रखे इसी ऑर्डर में बैटिंग करने आएंगे, तो इसको ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे
विकेट कीपर दोनों ही बहुत अच्छी ऑप्शन है, आर पैरिस्ट एंड विनफील्ड, बट साउथ जो विनफील्ड है न्यूजीलैंड की ये ज़रा बेटर है, तो मैं यहाँ पे तो एल विनफील्ड के साथ जाना पसंद करूँगा बिकॉज ये ज़्यादा खतरनाक है अकॉर्डिंग टू आर पैरिस्ट, पर आर पैरिस्ट भी कभी भी रुख बदल सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एज अ बैट्समैन एल वर्ल्ड बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं, देखिए अभी भी 87% जबकि पिछले मैच में एक ही रन किया, वो ये बहुत बेहतरीन है, आप इन्हें छोड़ नहीं सकते। जब हमारे रोजर्स पिछली परफॉर्मेंस आपने देखी होगी उसके भी यहाँ पे तो आप बिल्कुल छोड़ना चाहेंगे। एम क्रेक बिल्कुल मत लीजिए, मैं तो ये कहूँगा अगर वैसी परफॉर्मेंस देनी है, तीजारिस भी बहुत नीचे आ रहे हैं, तो फिर आप एफ एरवन या एल्केमेंस में किसी एक के साथ जा सकते हैं, तो एल्केमेंस के साथ जाइए। एल्केमेंस मुझे लगता है इस बार थोड़ा सा ऊपर भेज सकते हैं, बट तीनों एक ही तरफ से होंगे, तो फिर आप एफ एरवन को ले लीजिए। केमेंस को अगर ट्राई करना जमाइमा रोजर्स की जगह आप ट्राई कर सकते हैं, ओके, बिकॉज मुझे नहीं लगता जमाइमा रोजर्स इस मैच में उतना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगी। ऑलराउंडर सेक्शन में देखिए निकोला सेवर, केवरेंट दोनों कन्फर्म हैं, जेमी से सेमी जो जोसन इनको भी नहीं छोड़ सकते, वो तीनों के खिलाड़ी ऊपर आएंगे और एक ही टीम से खेलते हैं, तो बिल्कुल कन्फर्म है। यहाँ पर देखिए ए डेविडसन एंड एच एमरिटेज, देखिए एमरिटेज ने कुछ अच्छा नहीं किया, डेविडसन ने बहुत अच्छा किया था और डेविडसन ने विकेट्स भी लिए थे, दो विकेट्स लिए थे प्लस 23 रन एलिस रिचर्ड्स, और एमरिटेज ऊपर आएंगे लेकिन एक विकेट लिए, एक रन बना पाया था, तो फिलहाल तो मैं डेविडसन के साथ जाना चाहूँगा जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। देखिए यहाँ पे आप 25 पॉइंट्स बचे, मुझे लग रहा है क्रेडिट्स का इशू होने वाला है। देखिए यहाँ पे एल स्मिथ बहुत बेहतरीन बॉलर हैं, बिल्कुल शक नहीं की कर सकते उनकी काबिलियत पे, तो एल स्मिथ को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बॉलिंग सेक्शन। एस ग्लेन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा अभी ड्रॉप कर रहा हूँ, एल क्विक एंड एल रसल एंड पी ग्राम, मुझे लगता है पी ग्राम इस बार धमाका कर सकती हैं, तो ये टीम के साथ मैं जा सकता हूँ जो कि एक अच्छी टीम लग रही है। दोस्तों आप चाहें तो इस टीम के साथ जा सकते हैं, अगर एल विनफील्ड की जगह आप देखिए दोनों सेम पॉइंट है तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आपको ये लेने ही पड़ेंगे, तो अभी तो फिलहाल मेरी टीम यही है दोस्तों। आप चाहें पी ग्राम की जगह लसन लबी भाई बात है, तो फिलहाल मैं चाहता हूँ पी ग्राम के साथ बेटर रहेगा। अगर आप इधर से कोई बॉलर लेना चाहते हो तो फिर एस क्लेन है जो टी आर टी की तरफ से बेहतरीन है, और केव राइस और एस क्लेन। सो अभी तो फाइनल टीम यही बनी है, कैप्टन वाइस कप्तान की बात कर लेते हैं, कैप्टन तो रहेगा निकोला सीवर, हेड टू हेड खेलते हैं और हेड टू हेड में जब निकोला सीवर खेल रहे हैं तो हेड टू हेड में निकोला सीवर को ही कैप्टन करें तो बेटर रहेगा। वाइस कप्तान है जो जोसन के साथ मैं जाना चाहूँगा, या फिर केवरेंट दोनों ही अच्छी ऑप्शन है, जोसन है केवरेंट, मुझे लगता है जोसन ज़्यादा बेटर है अकॉर्डिंग टू केवरेंट, मैंने सेव कर देता हूँ। फाइनली टीम मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी स्क्रीन पर जो मैंने बनाई है, देखिए एज ए विकेट कीपर लिया मैंने एल विनफील्ड, मुझे लगता है विनफील्ड बेटर है अकॉर्डिंग टू आर पेरिस्ट, अगर आप चाहें आर पेरिस्ट को भी ले सकते हैं। थ्री बैट्समैन एल वर्ल्डवर्ड एफ एवन जमैमा रोजर्स, जमैमा रोजर्स की जगह आप ले सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा रिस्की रहेगा बट आप ले सकते हैं जमैमा रोजर्स की जगह के एल केमेंस को, बहुत रिस्की है ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा, ओके। एंड ऑलराउंडर सेक्शन देखिए केवरेंट निकोला सीवा एस जो जोसन छोड़ नहीं सकते हैं, एडविनसन एस एमरिटेज इसमें कोई एक लीजिएगा, वैसे एडविनसन जाना बेटर लग रहे हैं मुझे बिकॉज उन्होंने पिछले मैच में दो विकेट लिए प्लस 23 रन, हालांकि एमरिटेज उनसे ऊपर आती हैं बैटिंग करने प्लस वो भी उतनी ओवर बॉलें फेंकेंगी 20, तो इसमें थोड़ी सी डाउट्स रहे ये अभी क्लियर नहीं है, ये आपको जो भी क्लियर होगा फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। देखिए थ्री बॉलर्स लिए मैंने एल स्मिथ केलविक एंड पी ग्राहम, ओके तीनों एक ही टीम से डाले हैं बिकॉज देखिए इधर से यही मैन है केवरेंट सीवर जेसन तीनों ऊपर आएंगे बैटिंग भी करेंगे और बॉलिंग भी करेंगे, तो इधर से इनका देखिए 60 गेंदे तो यहाँ से कन्फर्म है फेंकने को, तो जो कि एक अच्छा फैसला है मुझे लगता है। और यहाँ पे देखिए एल विनफील्ड रोजर्स ये और एल वर्ल्डवर्ड तो कराएंगे नहीं बॉलिंग, इधर से ये चारों कराएंगे तो कुछ बुरा नहीं है, मुझे लगता है ये टीम बेटर है। कप्तान के तौर पर मैंने निकोला सीवर को लिया है, वाइस कप्तान है जो जोसन को लिया है, ओके। सो अभी तो ये डेमो टीम है, जो भी अपडेट आएगी वो आपको हमारे इस चैनल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वीके प्रेडिक्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिए, अगर लिंक के थ्रू नहीं होता डायरेक्ट सर्च कीजिए टेलीग्राम पे वीके प्रेडिक्शन, हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए, ओके दोस्तों। और जो भी हेड टू हेड की पॉसिबल टीम आएगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आई होप आपको हमारी प्रेडिक्शन अच्छी लगी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट आने वाले प्रत्येक मैच की आपको मिलती रहेगी,
और साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल वीके प्रोडक्शन को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताज़ा हेड टू हेड की फाइनल अपडेट्स के लिए। ओके ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।